Hello everyone, I am Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodot. The question says In a certain two dimensional field of force, the potential energy of a particle has the form u is equal to alpha x square plus beta y square, where alpha and beta are positive constants whose magnitudes are different. Find out, and there are two parts. whether this field is central and the second part is what is the shape of the equipotential surfaces and also of the surfaces for which the magnitude of the vector of force F is equal to constant तो चलिए बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करते हैं सवाल में basically क्या कहा गया है कि there is a certain two dimensional field है ना मतलब x और y दोनों के ही along हमारे को forces मिलने वाले हैं ठीक है थीके? तो यहां पर यू जो है वो दे रखा है अल्फा एक्स स्क्स बीटा वाई स्क्र और यहां पर अल्फा और बीटा क्या है दे आर एक्चुअली पॉजिटिव और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है ठीक है तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या ये जो फील्ड है है ना वो सेंट्रल है तो बच्चों सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर ये निकाल सकते हैं कि अगर u हमारे को दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वेर प्लस बीटा वाई स्क्वेयर तो यहां से देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकाल सकते हैं एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स ठीक है तो यहां पर लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ना मतलब कि सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानते हुए से डिफ्रेंशिएट करना है तो ये कितना आ जाएगा माइनस टू टाइम्स अल्फा एक्स आ जाएगा तो यहां से एफ एक्स वेक्टर कितना आ गया माइनस टू अल्फा एक्स आई कैप क्लियर है ये बात और इसी तरीके से ये तो हम लोगों ने क्या करा ये तो हम लोगों ने अभी x कॉम्पोनेंट निकाला है है ना इसी तरीके से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं y कॉम्पोनेंट है ना तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे कि इसी तरीके से एफ वाई बराबर हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई और वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस टू बीटा वाई तो अगर हम लोग वैक्टोरियली लिखना चाहें तो एफ वाई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा माइनस टू बीटा वाई जे कैप तो देखिए बच्चों अब तक हमारे को क्या मिल गया अब हमारे को नेट फोर्स मिल गया है जो कि टू अल्फा एक्स माइनस आई, आई कैप प्लस टू बीटा वाई माइनस जे कैप है अब हम लोग बात करते हैं सवाल के पहले पार्ट में जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि क्या ये फील्ड सेंट्रल है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि सेंट्रल फील्ड का मतलब क्या होता है है ना जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस मैंने यहाँ पर बना दिया तो अब मैं किसी भी पॉइंट की बात करू ना मान लीजिए इस पॉइंट पर हम लोग चले गए तो ये जो पॉइंट है ना इस जगह पर फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगना चाहिए जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट की तरफ है ना ये कोई खास पॉइंट है मान लीजिए इसकी तरफ ये फोर्स डायरेक्टेड है अब मान लीजिए मैं किसी और पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पर मैं चला गया तो यहां पर भी जो फोर्स लग रहा है ना वो इसी पॉइंट की तरफ होना चाहिए क्लियर है ये बात इसी तरीके से अगर आप किसी और भी लोकेशन पर चले गए तो फोर्स की डायरेक्शन इसकी तरफ ही होनी चाहिए क्लियर है ये बात तो ऐसे केसेस में हम लोग कहेंगे कि ये जो फील्ड है ये कैसी है सेंट्रल है है ना तो सारे के सारे लोकेशंस पर जो फोर्स लग रहा है है ना वो क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए तो बच्चों ऐसे फोर्सेस का एक बहुत एग्जाम्पल कॉमन है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पर सन होता है ना ये अलिप्टिकल पाथ में प्लानिट मान लीजिए घूम रहा है तो हम लोग जानते हैं कि हर समय इस प्लैनेट पर जो फोर्स लगता है वो सन की तरफ ही लगता है ना चाहे प्लान कहीं पर भी हो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है सन की तरफ ही होती है तो हम लोग ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं कि ये सेंट्रल फोर्सेस है ना डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को अगर देखें इस फोर्स वाले एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखें तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी तरफ ये सारे के सारे फोर्सेज डायरेक्टेड हो तो ऐसा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ही हो सकता है और कोई पॉइंट की तरफ सारे के सारे फोर्सेस डायरेक्टेड नहीं हो सकते हैं मैं बस एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं है ना वो भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो रखने पर जो फोर्स है वो जीरो आ रहा है तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट की पॉसिबिलिटी होती जिस डायरेक्शन में जिस पॉइंट की तरफ सारे के सारे फोर्सेज डायरेक्टेड होते तो जब पार्टिकल ओरिजिन पर होता तब उसकी तरफ तब जो है उस पर फोर्स इस पॉइंट की तरफ लगना चाहिए था लेकिन ऐसा तो आ नहीं रहा है आ क्या रहा है कि जब पार्टिकल ओरिजिन पर है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो अगर हमें चर्चा करनी है कि, कि किस पॉइंट की तरफ सारे के सारे फोर्सेस डायरेक्टेड होने चाहिए तो वो पॉइंट सिर्फ एक ही हो सकता है और वो कौन सा हो सकता है ओरिजिन तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि, कि किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग ले लें है ना किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग ले लें तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है उस पर वो कैसा है जैसे अगर हम लोग देखें एक्स और वाई अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव है और फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये टू अल्फाइक् हो जाएगा और वाई वाले के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो टू बीटा वाई हो जाएगा तो अब बस हमें ये देखना है बच्चों कि अगर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है ना इन दोनों फोर्स के कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट अगर ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो फील्ड है वो कैसी है सेंट्रल है क्लियर ही बात तो अब हम लोग यहां पर क्या करके देखेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करके देखेंगे अगर ये जीरो आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फील्ड है वो कैसी है सेंट्रल है है ना इससे ये पता चल जाएगा कि पार्टिकल कहीं पर भी हो उस पर फोर्स किधर लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है है ना कहीं पर भी पार्टिकल हो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी सेंटर की तरफ हो जाएगी अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फील्ड जो है वो सेंट्रल नहीं होगी और मैंने आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ही जीरो क्यों करा है इसलिए करा है क्योंकि आप देखिए कि ओरिजिन से अगर मैं एक वेक्टर निकालू है ना तो ये आर वेक्टर कहलाएगा ना जो इस पॉइंट पी को कनेक्ट करेगा और हम लोग चाहते हैं कि ये जो फोर्स वेक्टर है वो ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड हो तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर क्या हो गया इस डायग्राम के थ्रू बच्चों एंटी एंटीपैरल हो गए तो एंटी एंटीपैरल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो आएगा ना ठीक है तो चलिए बच्चों यहां पर मैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ किसके साथ टू अल्फा प्लस टू बीटा वाई माइनस जे कैप के साथ क्लियर है ये बात तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा यहां से सबसे पहले मैं जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उनको देख लेता हूं है ना तो ये हो जाएगा टू बीटा xy है ना और यहां पर क्या आ जाएगा आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप है ना आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप जो है वो माइनस के कैप देगा करेंगे यहां पर लिख देते हैं प्लस अब यहां पर आ जाएगा टू अल्फा एक्स वाई और अब क्या करना है जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप मतलब ये हो जाएगा बच्चों के कैप क्लियर है बात तो यहां से देखिए हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई तो ये आ जाएगी हमारे पास टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई यहां पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा और यहां पर के कैप तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अल्फा माइनस बीटा कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है ना तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि आर क्रॉस एफ वेक्टर इज क्वल टू जीरो जिस वजह से हम लोग अब ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ सेंट्रल फील्ड राइट तो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट में जिसमें क्या बोला गया है वॉट इज द शेप ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिज एंड ऑल्सो ऑफ द सर्फेसिस फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं है ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Shape of the equipotential surfaces, ठीक है तो हमारे को दिया हुआ है सवाल में u बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर ठीक है तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस का मतलब क्या हो गया कि वहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल हो तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या आएगी सेम आएगी जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे कि हम लोग अर्थ के सर्फेस की बात करते हैं ना तो अगर आपने जी पी बराबर जीरो यहां पर मान लिया ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो मान लिया अगर इस सर्फेस पर तो अब आप मास को यहां रखें चाहे यहां रखें चाहे यहां रखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी जीरो आएगी है ना और अगर हम लोग यहां पर बहुत ज्यादा हाइट की बात नहीं कर रहे हैं कम हाइट की बात कर रहे हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आपने इस मास को है ना से कि एच हाइट ऊपर रख दिया तो चाहे आप यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए है ना इन सारे केसेस में आपकी जो ये जो पार्टिकल है है ना उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सिंपली कह देंगे एम जी एच के बराबर तो इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या रही आ रही है सेम आ रही है ना जब पार्टिकल को हम लोग रख रहे हैं तो तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस केस में जो शेप होगा इक्वी पोटेंशियल का वो कैसा होगा प्लेन होगा है ना और ये सारे के सारे प्लेन जो है आपस में हैं ठीक है थीके? तो अब आ जाते हैं हमारे करंट सवाल पे तो बच्चों इस सवाल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा एक प्लस बीटा वाई है ना इसको हमें क्या कर देना है लेटर से कि इसको कुछ कांस्टेंट सी नॉट कह देना है, है ना तो अब इस हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे कि वो जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आ रही है उसका शेप कैसा होगा क्लियर ही बात तो एक काम करते हैं हम लोग पूरी इक्वेशन को ना हम लोग अल्फा बीटा से डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो ये क्या बन जाएगा अपॉन अब यहाँ पर अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा अपॉन बीटा प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा अगला टर्म हो जाएगा देखिए वाई स्क्वेर अपॉन अल्फा और ये किसके बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा सी नॉट अपॉन अल्फा बीटा के तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे को जानी पहचानी नजर आ रही है है ना ये इक्वेशन हमारे को समझ में आ रही है कि किसको करेस्पॉन्ड कर रही है एलिप्स को क्लियर है ये बात तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं बच्चों की जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होगी वो कैसी होगी वो एलिप्स होगी तो देखिए बच्चों इस एलिप्स को मैंने यहां पर बना दिया है है ना यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर y की वैल्यू जीरो कर दे y की वैल्यू जीरो कर दे अगर तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी सी नॉट अपॉन अल्फा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस

सी नॉट अपॉन बीटा के बराबर तो इस पॉइंट है ना ये जो पूरा का पूरा एलिप्स है इसके आप किसी भी पॉइंट पर अगर है ना किसी पार्टिकल को रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी सेम आएगी ठीक है अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट के सेकेंड पोर्शन में है ना जिसमें हमसे क्या बोला गया है हमें निकालना है शेप ऑफ द सर्फेसिस फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो सबसे पहले एक काम करते हैं इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ टू अल्फा एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू बीटा वाई का भी होल स्क्वायर तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से देखिए हमारे पास ये आ जा रहा है अंडर द रूट ऑफ है ना फोर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बच्चों हम लोग चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए इसकी वैल्यू लेटेस्ट से सम कॉन्स्टेंट सी आ जाए क्लियर है ये बात तो यहां से देखिए अगर इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ है ना अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कितना आ जा रहा है ये एक्चुअली आ जा रहा है सी अपॉन टू के बराबर तो बच्चों एक काम करते हैं स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स है, है ना तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन फोर के बराबर आ जा रहा है ठीक है तो अब बच्चों एक काम कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ना पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग एक काम कर देते हैं अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं है ना जैसे यहां पर भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो देखते हैं यहां से क्या बन जाता है ये यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा ये किसके बराबर आ जा रहा है तो ये बराबर आ जा रहा है अपॉन फोर अल्फा इक्वेशन को देख करके आपको फिर से समझ में आ रहा होगा कि ये किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है ये भी एक एलिप्स को ही करेस्पॉन्ड कर रहा है ना यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर y की वैल्यू जीरो भरे है ना अगर y की वैल्यू जीरो रख दें तो एक्स स्क्वेयर कितने के बराबर आ जा रहा है तो एक्स स्क् स्क्वेयर अपॉन फोर अल्फा स्क्वायर के ठीक है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो माइनस सी अपॉन ऑफ अल्फा इसी तरीके से इस पॉइंट की वैल्यू हम लोग क्या बोल देंगे सी अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा और ये हो जाएगा ओरिजिन तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों की सर्फेसिस फॉर विच एफ इज कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो एन एलिप्स तो बच्चों पार्टिकल जो है ना पार्टिकल जो है इस पूरे के पूरे एलिप्स के किसी भी पॉइंट पर रहे उस पर फोर्स जो है वो क्या रहेगा सेम लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज है ना मैग्नीट्यूड वाइज उस पर फोर्स जो है वो बिल्कुल सेम लगेगा इसके अलावा बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा ऐसा नहीं है कि फोर्स जो है वो हर समय ओरिजिन की तरफ लग रहा है है ना कुछ केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ना ये जो सी अपॉन टू पॉइंट है इस जगह पर जब पार्टिकल है तब बेशक हम लोग कह सकते हैं कि उस पर फोर्स जो है वो कैसा लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है जैसे कि आपको लगेगा कि ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है उसी तरीके से जब पार्टिकल कहाँ पर है ये y बराबर सी ए टू बीटा पर है तब भी आप देख पा रहे हैं कि इस पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी है इस पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी है है ना जब ये x बराबर माइनस सी ए टू अल्फा पर है तब भी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है और जब ये y बराबर माइनस सी ए टू बीटा पर है तब भी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो इन चार लोकेशन के हिसाब से अगर आप सिर्फ जज करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा फोर्स तो किधर लग रहा है ओरिजिन की तरफ आ रहा है मतलब ये सेंट्रल फील्ड होगी लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है है ना किसी और रैंडम पॉइंट पर आप देखेंगे तो ये जो फोर्स है ये ओ की तरफ ओरिजिन की तरफ नहीं लग रहा है ना ये जो फोर्स है ये इस तरफ नहीं है क्लियर है ये बात तो इस वजह से हम लोगों ने कहा था कि ये जो फील्ड है वो स्टेडी नहीं है ऑल राइट तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर आपको डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय